गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून स्तुति, मयंका, अनुज। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज डाउट सेशन। ओके, बिफोर सॉल्विंग द डाउट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर बाद में इसके बाद जो आपको होमवर्क दिया गया था शीट का, स्ट्रेट लाइन की शीट का, वो होमवर्क में अगर आपको कुछ डाउट है तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क जो अब जो आप क्वेश्चन दिए गए थे होमवर्क में, दैट वाज 139, क्योंकि 138 तक हमने डिस्कस कर लिया था। 156 से 164 और 171 से 173। ओके गाइस, तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहीं पे, और बाद में जो आपका होमवर्क था वो हम उसमें अगर कुछ डाउट है तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट है तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके ओके कूल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे क्वेश्चन आप लिखो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे क्वेश्चन आप लिखो। एक इक्वेशन आपको गिवन है, वो इक्वेशन आप नोट कर लो। तो इट इज 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको गिवन है। The given equation represents a pair of straight lines. ठीक है, ये आपको दे रखा है। Find first the equation of कंपोनेंट लाइन। हम इसमें क्वेश्चन देखते जाएंगे गाइस। फर्स्ट ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो। एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का आपको इक्वेशन गिवन है। ऑब्वियसली ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो दोनों स्ट्रेट लाइन का इंडिविजुअल इक्वेशन आपको बताना है क्या है। सॉल्व करो गाइस ये। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का होमवर्क गाइज, जो होमवर्क है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर और फिर आपको आज नहीं तो कल में होमवर्क मिल जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस।
ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है काफी लोगों का, बट इनकरेक्ट आ रहा है। हाँ, उन्नति, वेरी गुड, सही आंसर है। बाकी मयूर, आपका भी आंसर सही है, गुड। बाकी सभी का आंसर इनकरेक्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उन्नति, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो उन्नति। यस सर। क्या ओके, क्या मेथड यूज किया उन्नति सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन? सर एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया और फिर फॉर्मूला मेथड से किया। करेक्ट, वेरी गुड। एक्स में आपने क्वाड्रेटिक बना दिया और फिर जो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, वो आपने यूज कर लिया, राइट? यस सर। ओके, गुड। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ गाइज आपके लिए क्वेश्चन। कुछ लोगों का आंसर इनकरेक्ट आ रहा है, माइट बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा। जिनका ये क्वेश्चन हो चुका है वो आगे के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। आंसर मैं बोल देता हूँ क्या आ रहा है ताकि आप वेरीफाई कर सको। तो जो दो लाइन आ रहे हैं, तो एक लाइन का इक्वेशन है आपका, यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। फर्स्ट का आंसर आंसर है एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये एक लाइन आ रही है। और सेकेंड लाइन टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड लाइन। ओके, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन में आप क्या करो, एक्स में क्वाड्रेटिक बना रहे थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो कितना है, सिर्फ टू एक्स स्क्वायर। फिर आप एक्स का टर्म लिखो, तो एक्स के आपको दो टर्म्स मिल रहे होंगे, फाइव एक्स वाई और सेवन वाई। आप चेक कर सकते हो, फाइव एक्स सॉरी फाइव एक्स वाई और सिक्स एक्स, सॉरी एक्स के दो टर्म्स मिल रहे हैं, फाइव एक्स वाई और सिक्स एक्स। उसमें से अगर मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, फाइव वाई प्लस सिक्स, ये एक्स हो जाएगा। गाइस कैलकुलेशन चेक करते रहना, कुछ कुछ इनकरेक्ट, कोई कभी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो आप बोल देना। ओके, ये एक्स का टर्म हो गया। अब कांस्टेंट टर्म देख लेते हैं, तो बचे हुए सभी टर्म्स कांस्टेंट टर्म बन जाएंगे। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा आपका, थ्री वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो ये आपका एक्स में क्वाड्रेटिक हो गया। अब आप जनरल फॉर्मूला यूज कर लो क्वाड्रेटिक का, तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डिवाइडेड बाय टू ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटू टू आ जाएगा। किसी को मेथड में या सॉल्विंग में कुछ प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप बोल दीजिएगा, ठीक है, चैट में आप लिख सकते हो और इवन यू कैन रेज योर हैंड। हाँ, प्रीवियस स्लाइड ये कंप्लीट करने दो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चल जाते, मतलब प्रीवियस स्लाइड। चलो ठीक है, जिनका क्वेश्चन हो चुका है सेकेंड क्वेश्चन में बता देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। जिनका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करो, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो ये आपने लिख दिया क्वाड्रेटिक, ये एक्स में क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्मूला यूज कर लिया आपने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अब, माइनस फाइव वाई, क्या ठीक है, माइनस यहाँ पे ऐसे रहने, माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स प्लस माइनस, फिलहाल ये स्क्वायर रूट के अंदर जो आ रहा है उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो फाइव वाई प्लस सिक्स मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस फोर इंटू टू तो एट हो गया, तो माइनस एट से बेसिकली आप मल्टीप्लाई करोगे पूरे इस ब्रैकेट को, तो माइनस एट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ट्वेंटी फोर वाई स्क्वायर, फिर माइनस एट इंटू सेवन वाई माइनस फिफ्टी सिक्स वाई और माइनस एट इंटू फोर माइनस थर्टी टू डिवाइड बाय आ जाएगा फोर। ओके, तो यहाँ पे माइनस ऑफ फाइव वाई प्लस सिक्स प्लस माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ, अब गाइस लाइक टर्म्स आप देखते चलो, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो 25y² और ये -24y² और 60y और -56y और बचे हुए कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएंगे आप. तो 25y² -24y² विल बी y², 60y -56y प्लस 4y, 36 -32 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4. अब गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म बन रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आपको विजुलाइज करते आना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पे इट इज y प्लस 2 होल स्क्वायर. ओके, y प्लस 2 का स्क्वायर आ रहा है तो ये था. तो स्क्वायर के फॉर्म में आपको विजुलाइज करते आना चाहिए. हाँ, स्क्वायर के फॉर्म में विजुलाइज करते आना चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं. तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5y प्लस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ओके, 4 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. सो 4x इक्वल्स टू माइनस ऑफ, चलो माइनस भी इधर लगा देते ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा, माइनस 5y माइनस 6 प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे, y प्लस 2 आ जाएगा. हाँ करेक्ट. अब ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन ले लेंगे एक आंसर आ जाएगा, एक बार माइनस साइन ले लेंगे दूसरा आंसर आ जाएगा. सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे. तो प्लस साइन अगर आप ले रहे हो तो कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 6 प्लस y प्लस 2, और अगर माइनस साइन ले रहे हो तो 4x इज इक्वल टू माइनस 5y माइनस 6 माइनस y माइनस 2. ओके, यहाँ पे 4x इज इक्वल टू माइनस 5, सॉरी ये इक्वल टू माइनस 5y प्लस y विल बी माइनस 4y माइनस 6 प्लस 2 विल बी माइनस 4. टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो, x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये का आंसर आ गया. यहाँ पे 4x इक्वल टू माइनस 5y माइनस y, तो माइनस 6y माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8. टर्म्स को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपके दो आंसर आ चुके हैं. थैंक यू उन्नति. राइट, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, बाकी क्वेश्चन से आप वेरीफाई कर लो. किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो बोल देना, मतलब वो ठीक है. ओके, ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमें नहीं क्या इंडिविजुअल लाइन के इक्वेशन फाइंड करने थे. हमने क्या किया, एक्स में क्वाड्रेटिक बना दिया, फिर जनरल फॉर्मूला यूज कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का. ठीक है, वो हमने यूज किया, तो यहाँ तक फिर हम पहुँच गए. अब अगर आप चेक करोगे, ध्यान रखना जो स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म आ रहा है वो एक, हाँ वो एक स्क्वायर बनेगा. यहाँ पे किसका स्क्वायर बन गया, वाई प्लस टू का स्क्वायर बन गया. ओके, y प्लस 2 का स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर रूट भी है यहाँ पे, तो सिंप्लीफाई होके इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा. ओके गाइज, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एम आई ऑडिबल? ओके, स्क्रीन भी क्लियर है? ओके गुड. वरद, आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके,
हाँ तो चेक कर लो गाइस सॉल्यूशन है, हाँ लिख लो सॉल्यूशन। ओके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आंसर हाँ काफी लोगों का आंसर आ चुका है और करेक्ट आंसर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1 - 2। जिनसे सॉल्व हो चुका है ये क्वेश्चन गाइस यू कैन रेज योर हैंड और फिर हम डिस्कस कर लेंगे ये क्वेश्चन। मधुरा अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके कैसे सॉल्व किया सेकंड क्वेश्चन? जो दो इक्वेशन दिए हैं उनको मैंने एलिमिनेशन ओके ठीक है मधुरा आप म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है कुछ, म्यूट कर लो आप। यस अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके सेकंड क्वेश्चन देखो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली है और आप ये लाइन के इक्वेशंस यूज करके मतलब साइमल्टेनियसली बेसिकली ये दो लाइंस को यूज करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो, बट एग्जाम में जनरली क्या होगा ना इसमें से कोई एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। तो अगर आप इंडिविजुअल लाइन के इक्वेशन यूज करके अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चलो ठीक है आपको ध्यान में आपको लगा वो पैसेज टाइप है, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, बट ऐसा सोचो कि हर एक क्वेश्चन स्टैंड अलोन क्वेश्चन। ओके सो जो भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ डिराइव किया है उसको सेकंड क्वेश्चन में यूज नहीं करना, ये ध्यान रखो। ऐसे आपने क्या मतलब ऐसे कर सकते हो कि अगर कुछ मेथड ध्यान में नहीं आ रहा है तो इंडिविजुअल लाइन की इक्वेशन पहले फाइंड कर लो, फिर इंडिविजुअल लाइन के अगर इक्वेशन आ गए तो दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। बट ये लेंदी मेथड हो जाएगा क्योंकि आपको पहले वो इंडिविजुअल लाइन की इक्वेशन फाइंड करने हैं। अच्छा इसके अलावा क्या मेथड यूज किया है आपने, इसके अलावा मेथड यूज किया? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। करेक्ट वेरी गुड। तो गाइस एक तो फॉर्मूला मेथड भी होता है वैसे, वो भी आप यूज कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन का तरीका होता है वो आप यूज करते हो। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन को, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो। तो यस अगर मैं गिवन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या इक्वेशन मतलब क्या इक्वेशन बन जाएगा? 4x + 5y + 6 = 0। और अगर मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को तो क्या इक्वेशन बन जाएगा? 5x + 6y + 7 = 0। 5x + 6y + 7 = 0। कैलकुलेशन चेक कर लेना गाइस कुछ दिक्कत हो रही है तो। अब ये बेसिकली मतलब इसको तो आप नीचे साइमल्टेनियसली सॉल्व करो आंसर आ जाए, ठीक है? तो कैसे सॉल्व किया साइमल्टेनियसली? सर मल्टीप्लाई बाय 5 से किया फर्स्ट इक्वेशन को। ओके फर्स्ट इक्वेशन में बेसिकली मतलब आपने एक्स को एलिमिनेट करने का सोचा राइट? यस सर। तो एक्स को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या सेकंड इसमें 5, फर्स्ट इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई करो और सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट में एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट कितना है 4, उससे आप सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई उससे आप नहीं क्या करो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 4 से। तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20x + 25y + 30 = 0। ओके 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा सेकंड इक्वेशन 20x + 24y + 28 = 0। करेक्ट। अब दोनों इक्वेशन को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया? सब्ट्रैक्ट।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी प्लस का माइनस, यहाँ पे भी प्लस का माइनस। अब हम चेक करें, 20x-20x वो तो कट हो जाएगा, 25y-24y y आ जाएगा, 30-28 प्लस 2 करेक्ट, तो y की वैल्यू आ गई -3। ये वैल्यू आने के बाद क्या किया सर, y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। गुड, तो कोई भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 4x+5y+6=0। यहाँ पे y की जगह क्या करो आप, -2 रख दो, तो 4x और 5 × -2 कितना हो जाएगा, -10+6=0, तो 4x-4=0, तो 4x=4, तो x=1 करेक्ट। गुड, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपका 1-2, ये आपका करेक्ट। गुड, थैंक यू। यस, ओके दीपक, ये जो दो इक्वेशंस है, ये जो दो इक्वेशंस बने हैं 4x+5y+6 और 5x+6y+7, हमने क्या किया है, जो आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो पहला इक्वेशन आ गया, इसको एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली तो सेकेंड इक्वेशन। ओके, क्लियर है दीपक? गाइस, ये सेकंड क्वेश्चन का सलूशन है, कोई भी स्टेप में डाउट आ रहा है आप पूछ ले। बाकी लोग म्यूट कर लो। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन अगर क्लियर है तो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो गाइस। थर्ड क्वेश्चन है, आपको एक्यूट एंगल फाइंड करना है बिटवीन द टू लाइंस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन। करेक्ट, आविष्कार सही आंसर है। हाँ, आंसर में लिख देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है टैन इनवर्स 1/5। थर्ड क्वेश्चन का आंसर टैन इनवर्स 1/5। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। दीपक, सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? ओके, ये सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट है पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इक्वेशन बना है। पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये इक्वेशन बना है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट इक्वेशन, और पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो सेकंड इक्वेशन। सिद्धेश, कोई डाउट है आपको? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, मैं का आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर रिवर्स तो नहीं लिख दिया आपने?
ओके थर्ड क्वेश्चन, जिनका आंसर आ चुका है गाइस यू कैन रेज योर हैंड और डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन। सिद्धेश अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके सिद्धेश, तो हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस, कैसे सॉल्व किया आपने क्वेश्चन? सर मैंने फॉर्मूला लगाया tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h² माइनस अंडर रूट h² माइनस ab बाय मॉड a प्लस बी। करेक्ट। तो गाइस फॉर्मूला है आपका tan थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस रूट ऑफ h² माइनस ab बाय मॉड a प्लस बी। आई होप सो ए बी और एच की वैल्यू सभी ने फाइंड कर ली होगी, ओरिजिनल जो इक्वेशन है। सिद्धेश मुझे बस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एच की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू 3 एंड एच की वैल्यू 5/2। 5/2 करेक्ट, गुड। गाइस ध्यान रखना, काफी लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे। ए तो क्या है, x² का कोएफिशिएंट 2 आ गया। बी तो क्या है, y² का कोएफिशिएंट वो 3 आ गया। अब xy का कोएफिशिएंट ध्यान रखना 2h होता है, h नहीं होता है, तो 2h 5 आएगा, तो h 5/2 आ जाएगा। करेक्ट, गुड। ठीक है, तो वो वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इनटू 3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ 2 प्लस 3। ठीक है, कितना आएगा बताओ, ट्वाइस स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 25/4 माइनस 6। 25/4 माइनस 6 अपॉन 5 आ जाएगा, राइट? 5 का मॉड, तो बाद में 5 ही बनेगा। हाँ, ठीक है। ओके, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 24/4। करेक्ट, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो आ जाएगा 25। इसको 6 को बेसिकली 6/1 सोच सकते हैं, अगर वैसा लिखना है तो 25 माइनस 24/4 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा, ये आ गया इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 1/4। करेक्ट, डिवाइड बाय 5 आपका आंसर एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन थीटा आ रहा है टैन इनवर्स 1/5। जिनसे नहीं सॉल्व हुआ है नोट कर लो, कोई स्टेप में डाउट आ रहा है पूछ लो। अद्वैत सही है, आपने जो लिखा है वो सही है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल पूछा जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए सेम कैसे होगा? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आप टैन थीटा माइनस 1/5 ले लोगे। ओके, तो ये जो है बेसिकली ये फॉर्मूला एक्यूट एंगल के लिए है, इसलिए हम मॉड लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए प्लस बी जो है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आपका मॉड लिख दिया। सॉल्व करके टैन थीटा आ रहा है 1/5, तो थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स 1/5। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन। अब आपको सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पूछा है लाइन के, आंसर में लिख देता हूँ। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, मान लो स्लोप m1 और m2 हम एज्यूम कर रहे हैं, तो सम ऑफ स्लोप मतलब m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 का आंसर दे रखा है -5/3, और m1 इंटू m2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, इसका आंसर दे रखा है 2/3।
ओके तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, जिनमें से हो चुका है गाइस, यू कैन रेज योर हैंड। समीक्षा अनम्यूट कर लो। यस सर। ओके तो आपको पूछा है, जस्ट अ सेकंड, आपको पूछ रखा है सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके। हाँ अभी ठीक है सर। यस सर। ओके कूल गाइस, कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा वॉइस में या स्क्रीन ब्लर हो जाएगा, कभी ऐसा हुआ तो आप बोल देना। ओके तो समीक्षा, सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप पूछा है, कैसे सॉल्व किया आपने क्वेश्चन? सर फॉर्मूला, सम ऑफ स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? -2h/b, करेक्ट। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का फॉर्मूला? a/b, करेक्ट। अब गाइज आप a, b और h की वैल्यू तो आप फाइंड कर ही सकते हो, तो a की वैल्यू आती है 2, b की वैल्यू आ रही है 3 और h की वैल्यू आ रही है 5/2, ठीक है। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, बट स्टिल जैसे मैंने बोला हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली हम देख रहे हैं, तो वैसे अब वैल्यूज तो ये आ रही है वैल्यूज, इसको बस आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 × 5/2 / 3, करेक्ट। क्या आंसर आ जाएगा समीक्षा? -5/3 और m1 × m2 a/b, ये तो बहुत ही आसान, वैल्यूज रख दो सीधा 2/3, करेक्ट, गुड। थैंक यू समीक्षा। तो गाइज ये आपके आंसर, फोर्थ क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। ओके आविष्कार कुछ डाउट है आपको? ओके अनम्यूट कर लो आविष्कार। यस सर। आपने मतलब ये m1 प्लस m2 और m1 इनटू m2 फॉर्मूला डेरिवेशन करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ना? हाँ ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे अच्छा ठीक है, आपने आपको उसमें होमोजेनियस इक्वेशन में बताया होगा डिराइव करके, राइट? हाँ तो सर इधर कैसे डिराइव करेंगे? नहीं इधर भी, अच्छा ठीक है, ये कंसेप्ट अगर आपको समझना है क्लास के बाद आप वेट करो मैं समझा दूंगा। ये ध्यान रखो कि होमोजीनियस इक्वेशन हो या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो, उसमें सेम ही फॉर्मूला चलता है सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के लिए। ओके ओके तो अभी तक जो भी आपने मतलब सीखा है, जैसे कंपोनेंट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं जो हमने देखा, या एक्यूट एंगल कैसे फाइंड करते हैं बिटवीन द लाइंस, या सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कैसे फाइंड करते हैं, ये चारों क्वेश्चन का जो हमने मेथड देखा है सेम मेथड आप नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके वैसे इसका जो प्रूफ है ना नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए भी सेम कैसे, तो उसको या तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से भी प्रूव करते हैं कुछ लोग, या कभी कभार इक्वेशन में ये बता देते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से फिर स्लोप बेसिकली लाइंस के सेम रहते हैं, बाकी सब चीजें चेंज होती है। वो तो क्लास के बाद वेट करो मैं बता दूंगा। ओके अच्छा म्यूट कर दिया आपने। ओके ठीक है, ओके कूल। हाँ देखो डायरेक्टली 2h की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करो वो भी कर सकते हो, इसमें इसमें क्या है, या तो h आप लिखो 5/2 या तो सीधा 2h लिख दो 5, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कोई डाउट है आपको? ओके तो फर्स्ट फोर ये चार क्वेश्चन बेसिकली सब क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो गाइस। एक इक्वेशन आपको गिवन है
पेयर ऑफ लाइंस का, 2x² + 6xy + y² = 0 रिप्रेजेंट, ठीक है डिनोट्स रिप्रेजेंट जो भी लिखना, ये इक्वेशन लिख दो और लिख दो द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x² + 6xy + y² = 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. Find the equation of its angle bisectors. Find the equation of its angle bisectors. Combine equation आपको बताना है. दो lines की वजह से दो angle आ जाएगा, आपको combine equation बताना है angle bisectors. मान लो जो given equation है वो ये दो lines represent करता है, तो दो एंगल आ रहे हैं यहाँ पे, ये एक बाइसेक्टर आ जाएगा, ये एक बाइसेक्टर आ जाएगा, आपको बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन बताना है क्या आ रहा है. आई विल गिव यू 2 मिनट, सॉल्व करो ये क्वेश्चन.
ओके काफी सारे लोगों का आंसर आ चुका है गाइस, मैं आंसर लिख देता हूँ। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब जिन लोगों का आंसर आ चुका है गाइस, यू कैन रेज योर हैंड और हम डिस्कस कर लेंगे इसे। अथर्व अनम्यूट कर लो। यस सर। यस अथर्व, कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन? एंगल बाइसेक्टर फॉर्मूला, एच क्या होता है फॉर्मूला? एच इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई, करेक्ट। गाइस ये जो फॉर्मूला है होमोजेनियस इक्वेशन में आपको बताया होगा, वैसे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन भी रहा लाइन का तो भी एक तरीके से आपने क्या फाइंड कर सकते हो आंसर, मतलब ये फॉर्मूले में तो और वेरिएशन आता है बट ठीक है। यहाँ पे तो ये लाइन का इक्वेशन ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आपने लिखा, तो मुझे वैल्यूज बता दो अथर्व, ए की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यूट कर लिया आपने, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ अथर्व अनम्यूट कर लो। ए इज इक्वल टू टू, ए इक्वल टू टू करेक्ट, बी की वैल्यू बता दो वन, वन और एच की वैल्यू थ्री थ्री। तो गाइज ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो लाइन का इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइन्स का, तो उसके एंगल बाइसेक्टर्स का कंबाइंड इक्वेशन आता है एच इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, करेक्ट। अब तो क्या वैल्यूज पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा टू माइनस वन एक्स वाई, तो बेसिकली थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, वन एक्स वाई, एक्स वाई के टर्म को इधर लेके आ जाओ, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका आंसर गाइस। थैंक यू अथर्व। ओके सर। आविष्कार ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो ये सिर्फ होमोजेनियस इक्वेशन के लिए इन सेकंड, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री ऑब्वियसली, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, अगर इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन है तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो केस में फॉर्मूला। तो गाइस कुछ क्वेश्चन हमें डिस्कस करना था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो शीट के क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क दिया गया था तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाले क्वेश्चन, प्रीवियस जो हमारा डाउट सेशन था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 138 तक डिस्कशन, मतलब 138 तक हमने डाउट क्लियर कर दिए थे पूरे, क्वेश्चन नंबर 138 तक हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब ये क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो वो हम डिस्कस करेंगे, तो शीट आप ले लो सभी, जहाँ पे आपने सॉल्व किया होगा वो वहां पे चेक कर लो कौन कौन से क्वेश्चन पे डाउट आ रहा है। आई विल मतलब ठीक है, ओके आई विल गिव यू सम टाइम, चेक करो, ठीक है, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, चेक कर लो और फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।
ओके गाइज, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 139? Any doubt from question number 156 up to question number 164? Okay, Omkar, can you raise your hand? गाइज क्वेश्चन नंबर 159 आप चेक करो, बाकी लोग म्यूट रखो गाइज। ओमकार कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो ओमकार। हेलो, हाँ सर। ओके सो गाइज, ओमकार को क्वेश्चन नंबर 159 में डाउट है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 159 चेक करो। ओमकार बेसिकली कॉन्करेंसी का क्वेश्चन है, राइट? हाँ हाँ। वो तीन लाइन के इक्वेशन मुझे बता दो जो गिवन है। हाँ मैं क्वेश्चन पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ सर। हाँ ओपन हो गई। ओमकार ठीक है, मैं पीडीएफ में से चेक कर लेता हूँ। आई विल राइट द इक्वेशन, बस आप चेक कर लो कि क्लियर हो रहा है ये। तो गाइज जो तीन लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, फर्स्ट लाइन है 2x plus y minus 1 equal to 0, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। सेकंड लाइन का इक्वेशन है ax plus 3y minus 3 is equal to 0, yes correct। और लास्ट जो लाइन है उसका इक्वेशन है plus 2y minus 2 equal to 0। अब आपको बोला है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तो आपको ए के बारे में मतलब कमेंट करना है कि कितनी वैल्यूज ऑफ ए के लिए पॉसिबल है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आपको शायद डिटरमिनेंट वाला मेथड बताया नहीं है, फैमिली वाला ऑफ लाइंस वाला है या कौन सा कैटेगरी? ओमकार ओमकार जस्ट अ सेकंड, सॉरी मुझे कॉल आ गया था तो प्रॉब्लम आ गया था। ओके तो डिटरमिनेंट वाला मेथड आपको बताया था ओमकार सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन? हाँ वो डिटरमिनेंट मेथड भी बताया था, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया कि फैमिली ऑफ लाइंस का तो नहीं। ओके ठीक है, तो इसमें भी कॉन्करेंट आता है ना, फैमिली ऑफ लाइंस में कॉन्करेंट ओरिजिन फ्रॉम सेम पॉइंट। हाँ ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको देखो इसको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट मेथड भी आप यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, या अगर आपको लाइंस के मतलब मान लो आपको वो मेथड यूज नहीं करना है, तो आप एक चीज क्या सोच सकते हो, आपको तीन लाइंस गिवन है, वो चलो कुछ ऐसे पास हो रहे हैं, मैंने क्या सेकंड लाइन को एक अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ, ये जो सेकंड लाइन है क्योंकि इसमें ए इन्वॉल्व है, मान लो उसको एक अलग कलर से डिनोट कर दिया, ये हो गया। तो एक तरीका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फैमिली ऑफ लाइन की जगह ऐसा सोच लो, मान लो ये लाइन है एल वन इक्वल टू जीरो, तीसरी लाइन है एल थ्री इक्वल टू जीरो। आप क्या करो, एल वन और एल थ्री का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, मान लो वो पॉइंट कोऑर्डिनेट, उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स आ रहे वो आप फाइंड कर लो। अब आपका जो L2 लाइन है अगर वो कॉन्करेंट है मान लो, तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स अगर हम L2 लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो सैटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को। ओ तो वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट x और y की जगह डालने का इक्वेशन नंबर 2 में, और ऐसे इक्वल टू 0 करके a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है, करेक्ट कॉन्करेंट। हाँ करेक्ट, कॉन्करेंट हमें गिवन है, हमें गिवन है कि कॉन्करेंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट बेसिकली वो थर्ड लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे तो सैटिस्फाई होना चाहिए। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओमकार, नो प्रॉब्लम। तो मैं वो मेथड बता देता हूँ गाइस, डिटरमिनेंट मेथड तो आपने यूज किया ही होगा सभी ने, ये वाले मेथड से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप क्या करो, L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो। तो बेसिकली ये दो लाइन्स है आपके, फर्स्ट लाइन को तो फर्स्ट मैं y को एलिमिनेट करता हूँ, तो फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 4x plus 2y minus 1 equal to 0। बेसिकली y को एलिमिनेट करने जा रहा हूँ, तो थर्ड इक्वेशन वैसे की वैसे लिख रहा हूँ, 3x plus 2y minus 2 equal to 0। अब आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस का प्लस। ओके तो 4x माइनस 3x आ जाएगा x, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल आउट, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आपकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो फर्स्ट इक्वेशन जो था, फर्स्ट इक्वेशन कितना है, 2x + y - 1 = 0, इसमें x इक्वल टू -1 रख दिया। कैलकुलेशन चेक करते जाना गाइस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 + y - 1 = 0। ओ सॉरी, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x आ गया, 2y आ गया, -1 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये -2 हो जाएगा, सॉरी ये -2 हो जाएगा, तो -2 + 2 तो कैंसल आउट हो जाएगा और क्या आ रहा है आपका, x इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 0 आ रहा है आपका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0, उसको आपने ये लाइन में रख दिया यहाँ पे, तो ये तो 0 ही बन जाएगा, तो y - 1 = 0, तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, अगर मैं उसको पॉइंट ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ रहे 0, 1, ये आपके पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्योंकि आपको बोल रखा है कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, मतलब L2 लाइन भी यही, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब हम L2 लाइन में रख देंगे सेकंड लाइन में, तो सेटिस्फाई करने वाले हैं, और फिर हमें बताना है कितने A के वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। अब जब आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे रखोगे गाइस, तो चेक करो, जब आप x की जगह 0 रखोगे तो a इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पे आप रखो तो +3 - 3 = 0, तो 0 = 0 आ रहा है। तो आप चेक करो गाइस, यहाँ पे a की कुछ भी वैल्यू आप रहने दो, x तो हमेशा 0 रहेगा, तो a इंटू 0 तो हमेशा 0 बनने वाला है। इसका मतलब आप a की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो, आपको आंसर मतलब आपको तीनों लाइन कॉन्करेंट ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की कितनी मतलब a की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, ऑल रियल वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, क्लियर हुआ सभी को गाइस? अद्वैत, ये क्लास के बाद पूछे ना डाउट मैं बता दूंगा आपको। नॉट 0 to infinity, दीपक, -∞ to +∞, ए कैन बी एनी रियल नंबर, ए कैन बी एनी रियल नंबर, -∞ to, मतलब बेसिकली आपका ओपन इंटरवल -∞ से +∞, इस टाइप का आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 159। ओके यस, फर्स्ट बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है, सिंपल, मुझे L1 इक्वेशन और L3 इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना। तो मैंने सोचा कि y को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इधर जो y का कोएफिशिएंट है उसको इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर जो y का कोएफिशिएंट है उसको ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे तो क्या है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट लिख दिया। ओके, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 164? ओके कूल, फिर क्वेश्चन नंबर 171, 172, 173, इसमें कोई डाउट है गाइस? ओके, 172 में डाउट आ रहा है, ओके 173 में भी डाउट आ रहा है। उन्नति, कैन यू रेज योर हैंड? ओके, अनम्यूट कर लो। Yes, sir. अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 173 चेक करो सभी, मैं भी चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 173। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 173 में इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड, ओके, इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, ओके। अच्छा उन्नति, क्वेश्चन से आप डायग्राम बना पाओगे? सर क्वेश्चन समझा नहीं मुझे बराबर। चलेगा ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। तो आपको क्या बोल रखा है, मान लो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, रफली डायग्राम बना रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट एज्यूम करके डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, वैसे इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
अब फिलहाल ये स्टेटमेंट के कौन से पार्ट पे फोकस करना है वो मैं बता रहा हूँ. तो पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक रैंडमली एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ. ये आपका लाइन हो गया. मान लो ये एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को पॉइंट बी पे कट कर रहा है, और ये आपका ओरिजिन है. उन्नति, अगर मैं आपको x इंटरसेप्ट पूछे तो आप तो OA मतलब बता दोगे जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, है ना? Yes, sir. फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो मान लो मतलब, अच्छा मैं अलग चीज बता रहा हूँ अभी, वो क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है. तो मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे वैल्यू थ्री, मान लो यहाँ पे वैल्यू आ गई ए, यहाँ पे वैल्यू आ गई बी. तो ये वैल्यू अगर ए है तो आप एक्स इंटरसेप्ट बोल दोगे ए, ये वैल्यू बी है तो आप वाई इंटरसेप्ट कितना बोल दोगे बी, राइट? यस सर. ओके, अब आप देखो उन्नति, अब क्वेश्चन में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो मैं ऐसे जनरल मैंने बता दिया. अब ये जो लाइन है, ये जो गिवन लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सेस इस लाइन पे इतना पार्ट कट कर रहे हैं. यस, ठीक है. देखो ऐसा सोचो सिंपल, ये आपका लाइन है, ये लाइन में कुछ भी रुकावट नहीं है, ठीक है, रुकावट के लिए खेद है ही नहीं किधर. अब क्या हुआ, कोऑर्डिनेट एक्सेस आ गए और उन्होंने क्या किया, ऐसा मान लो वो हो गए, तो उन्होंने क्या किया, लाइन लाइन इतने लाइन के पोर्शन को ब्रेक कर दिया, लाइन में से इतना लाइन सेगमेंट ब्रेक कर दिया उन्होंने. यस सर. ठीक है, तो वही मतलब था. तो अब देखो वही अब वो स्टेटमेंट बोलना चाह रहा है. तो क्या लिखा है यहाँ पे, द पोर्शन ऑफ अ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कौन सा पोर्शन इंटरसेप्ट हो रहा है, ए बी इंटरसेप्ट हो रहा है, ध्यान में आया? यस सर. उसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, तो उसका मिड पॉइंट कितना गिवन है, 3.2 गिवन है उसका मिड पॉइंट. ओके सर. ओके, तो आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. आप कैसे फाइंड करेंगे बताओ? चलिए काम कर लेते, मैं बता देता हूँ. इंटरसेप्ट फॉर्म से फाइंड करो. मान लो ये इंटरसेप्ट है ए, ये इंटरसेप्ट है बी. तो लाइन का इक्वेशन बेसिकली क्या आ जाएगा, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1, राइट? Yes, sir. अच्छा उन्नति, मुझे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या आएंगे, x एक्सिस पे लाया कर रहा है पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट? a, 0, करेक्ट, वेरी गुड. और b के कोऑर्डिनेट? 0, b, करेक्ट, वेरी गुड. अब देखो हमें क्या बोल रखा है, ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट है ab का, तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. Yes, sir. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो इसको x1 y1 या x2 y2, तो x1 प्लस एक्स टू मतलब ए प्लस जीरो बाय टू विल बी इक्वल टू थ्री, और बी प्लस मतलब जीरो प्लस बी बाय टू विल बी इक्वल टू टू. ये ध्यान में आ रहा है उन्नति? यस सर. तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4. तो ए और बी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर दो, आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा. तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स बाय 6 प्लस वाई बाय 4 इक्वल टू 1. एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो इक्वेशन क्या आ गया आपका, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 या माइनस 12 इक्वल टू 0, जो भी बोलना है. ओके सर. तो क्लियर हुआ उन्नति मेथड? यस सर, थैंक यू. ओके, कूल गाइस, आई होप तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 173 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 172 में भी डाउट आ रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 172 चेक करो. ओमकार अनम्यूट कर लो. हाँ सर, और एक 173 आपने अभी सॉल्व करके दिखाया, मैं मुझे भी वो करेक्ट आंसर आया, लेकिन मैंने जरा अलग सॉल्व किया, मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला. देखो आपका जो मेथड है ना, आपका आपका अगर कुछ मेथड है उसमें अगर कुछ डाउट है तो हम बाद में देख लेंगे. देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी सारे तरीके होते हैं, आपका मेथड भी हम क्या कर लेंगे, अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये सही है नहीं है वो कंफर्म करना है या जो भी, तो क्लास के बाद देख लेंगे. ठीक है, चलेगा सर. ओके, अभी 172 में आपको डाउट आ रहा है? हाँ हाँ, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है. ठीक है, मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 171 आपसे सॉल्व हो गया? हाँ, 171 सॉल्व हो गया. तो कंसेप्ट तो आपको पता है इसका, मतलब है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं वो कंसेप्ट तो आपको पता है, राइट? हाँ, वो फॉर्मूला अप्लाई करके.
चलेगा ठीक है गुड। तो माइट भी कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रही होंगी, हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, चेक करते हैं ना मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, 3। अब आपको एक लाइन का इक्वेशन गिवन है, वो लाइन का इक्वेशन है 3x - y + 4 = 0। ये लाइन का इक्वेशन ओमकार? हाँ सर बराबर है। ठीक है तो अब मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैं पॉइंट एम मान लेता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट एम मान लेता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स में बोल देता हूँ h, k। तो अच्छा और ये तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अगर ये x1 y1 लिखा है और मान लो ये ax + by + c = जो लाइन का इक्वेशन लिखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है h - x1 = 2 / a = k - y1 = 3 / b - -1 = -of ax1 + by1 + c। तो ये कोऑर्डिनेट बेसिकली आपको ये लाइन के इक्वेशन में रखना है। तो 3 × 2 - 3 + 4 ये आ जाएगा डिवाइड बाय 10 आता है वो। हाँ ठीक है चेक कर लेते हैं, डिवाइड बाय a² + b² मतलब 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। यहाँ तक सही लिखा आपने ओमकार? हाँ सर एकदम बराबर लिखा। ओके ठीक है अब क्या कर लेते गाइस, सबसे पहले ये वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में आसान है क्वेश्चन। तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे साइड में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली माइनस की साइन है 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 6 - 3 + 4 डिवाइड बाय ये 9 + 1। तो बेसिकली 6 - 3 = 3 आ जाएगा, 3 + 4 = 7, -7/10 आ रहा है ओमकार? करेक्ट ओके ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया, तो इक्वेशन क्या बन गया आपका h - 2/3 = k - 3 - 1 = -7/10। अब हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक तो इन दो को इन्वॉल्व करता हुआ और फिर इन दो को इन्वॉल्व करता हुआ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ। तो h - 2/3 = -7/10 h - 2/3 = -7/10 एंड k - 3 - 1 = -7/10 ये हमारे दो इक्वेशन बन गए। ओके तो इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा h - 2 = -21/10। 2 को उधर लेके चल जाओ तो +2 हो जाएगा। ठीक है या ठीक है आपको आप ऐसे लिख सकते हो, किसी को प्रॉब्लम ना है। -21/10 + 2 लिख दिया, एलसीएम लेंगे 2 मतलब क्या 2/1 लिखा है तो h = कितना आएगा -21 + 20/10। तो h आ जाएगा आपका -1/10, ये h की वैल्यू आ गई। हाँ मुझे भी माइनस कर लेते हैं, -1 उधर भेज देते हैं तो k - 3 = 7/10। कैलकुलेशन चेक करते जाना गाइस, तो k = कितना आएगा 7/10 + 3, तो k = आ गया 7 + 30/10। तो k की वैल्यू आ गई आपकी 37/10। हाँ ऑप्शन बी करेक्ट है फिर। अच्छा मैंने वो k - 3/-1 की जगह k - 3/3 ले लिया, वो -1 होना चाहिए। हाँ -1 होना चाहिए क्योंकि लाइन के इक्वेशन में चेक करो ना k का कोएफिशिएंट कितना है, सॉरी y का कोएफिशिएंट कितना है, -1 है। अच्छा हाँ है ना, थैंक यू सर। ओके कूल कूल। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 172, आई होप तो सभी को क्लियर हो गया होगा। चेक कर लेना सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ओके सो गाइस एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 173? ओके कूल। सो गाइज लेट्स एंड आवर सेशन हियर, थैंक यू एवरीवन। आई होप तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जिनको कुछ डाउट है कुछ पूछना है गाइज यू कैन वेट आफ्टर द क्लास, वो हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ओके बाय एवरीवन, बाय गाइज।